हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको खुद से रिसर्च करनी और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिल जाएगी और साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। और मेरे यहाँ पे आप जुकाम लगी हुई है, तो यार आप थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग तरीके का टोन है वो दिखे, या फिर कुछ अलग चीज दिखे। अलग चीज तो क्या दिखेगी, या तो छींक आएगी या कुछ और होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जो सीधा है वो हम स्टॉक्स के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो जो फर्स्ट नंबर का हमारा इंट्राडे का स्टॉक है वो है हमारा सीईएससी, कैलकाता इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो बनी हुई है, और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता उसके बाद में यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट लिया है, यहां पे भी सपोर्ट लिया है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन के अंदर है। अब हो सकता है कि यहां से नीचे आ जाइए, या फिर यहां से आप देख सकते हो कि इसके अंदर कैंडल है वो स्ट्रांग बनी है। तो अगर ये अपर साइड में जाता है तो इसको डे हाई को निकालना पड़ेगा। तो डे हाई अगर 183 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हो, 185 एंड 187 के टारगेट के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया, और उसके अंदर स्टॉप लॉस है वो अब 181.5 का आपको लगा के रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो सेकंड नंबर का स्टॉक है वो है हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये रेजिस्टेंस के जैसे ले रहा था, और यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे इसने 2 बार स्विंग जो टॉप है वो बनाए हैं, और इसने स्विंग टॉप को निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, उसको भी रिजेक्शन दे दिया है, और वापस अच्छी खासी मोमेंटम में ये आ गया है अपसाइड में। तो हो सकता है कि यहां से ये ब्रेकआउट दे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, तो इसके अंदर 363 का लेवल निकलता हुआ दिखे तो आप एंट्री कीजिएगा। और जो टारगेट बनेंगे हमारे वो 367 का पहला टारगेट बनेगा, 370 का सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 360 का लगा के रखना है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो कि इसके लिए भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है वो निकल करके आई है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन थी उसका बार बार में ये सपोर्ट लेता था और ये अपर साइड में निकलता था, और यहाँ पे जो स्विंग टॉप है यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे इनका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो चुका है। तो इसके अंदर 542 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो आप एंट्री कीजिएगा, 547 का पहला टारगेट बनेगा एंड 552 का सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 538 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है बीएससी। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली है वो तेजी हो रही है। मैंने आपको बोला ही है कि जो सेबी है उसने रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं, उसके अंदर कहा है कि हर एक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ एक लीडिंग इंडेक्सेस का यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होगा, बाकी सबको बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बीएससी है उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी है उसको खत्म कर दिया जाए, तो ये उसको देख करके काफी अच्छी मोमेंटम में आ रखा है, और यहाँ पे पहले भी इसके अंदर एक करेक्शन काफी अच्छी हो चुकी है। तो अगर ये 2650 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो आप एंट्री कीजिएगा, 2680 पहला टारगेट बनेगा, 2715 ये सेकंड टारगेट बनेगा, 2625 ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। तो ये फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन के अंदर आप देखोगे तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काफी अच्छा ये काम करती है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ये ब्रेकआउट है वो पुल बैक के साथ में कर चुकी है, डाउन साइड के अंदर ये यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसका बार बार में सपोर्ट लेकर के अपर साइड में निकलती थी, तो ये निकल चुकी है। इसके अंदर भी मोमेंटम है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो 1913 के ऊपर निकले तो आप एंट्री कीजिएगा, 1930 ये पहला टारगेट एंड 1953 सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 1895 के ऊपर लगा के रखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेस्ट 5
इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट है वो बताई है, जिसके अंदर मैंने आपको एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगा के रखना है सभी चीजें बताई है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।